क्या आता है, ये तीन गोल्डन रूल्स है स्टूडेंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला, ऑडिट के पेपर में क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सो मेक श्योर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। एंड एज ऑलवेज ये हमारा थंब रूल है, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन वर्क्स। ये जो लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन है यही आपको बताने वाली है कि क्या क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना। दूसरी चीज, कई बार क्वेश्चन पूरा रीड नहीं कर पाते, क्वेश्चन ये लंबे लंबे लेंथ के हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते से ही या फिर पढ़ने के समय पे हम काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर देते हैं वाइल रीडिंग द क्वेश्चन। ये गलती ना करें, क्वेश्चन को पूरी तरीके से रीड करें, कोई भी पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन मिस ना करें। थर्ड एंड अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, स्टूडेंट्स प्लीज डोंट रश वाइल सॉल्विंग MCQs। MCQs को पूरा समय दें, ये ना सोचे कि अच्छा ठीक है मैं MCQ में टाइम बचा लेता हूँ सो दैट मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में ज़्यादा समय दे पाऊँगा। बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें, MCQ कैश मार्क्स है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा अगर टाइम लग भी रहा है, इन्वेस्ट योर टाइम, टाइम इन्वेस्ट करने के बाद आप ये जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि यहाँ पे ना स्पेलिंग मिस्टेक्स होने वाली है, ना लैंग्वेज बैरियर है, ना आपको स्टैंडर्ड या सेक्शन कोट करने हैं। जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट योर इंटेलेक्चुअल, जितना याद है उसके बेसिस पे आपको आंसर स्टिक करने हैं, ठीक है। एंड ये भी सारे के सारे MCQs सॉल्व करके आइएगा, सॉल्व ऑल दी MCQs, बिल्कुल भी मिस ना करें। इन द प्रीवियस वेरी अटेम्प्ट, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट बेसिकली जब भी हुआ था, तभी आई एक्चुअली हर्ड फ्रॉम अ स्टूडेंट कि मैम MCQ का क्वेश्चन पीछे भी था बट मैं वो क्वेश्चन देख ही नहीं पाया। एकदम एंड में जब भी मैं पेपर घुमा रहा था कि सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए कि नहीं, तब मैंने देखा कि दो क्वेश्चंस और बचे हैं, तो फटाफट फटाफट में मैंने ए और बी मार्क कर दिया। ऐसी गलती ना करें स्टूडेंट्स। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट 3 आवर्स टाइम इज ऑलमोस्ट अंडर प्रेशर, बट ध्यान रखें सारे के सारे क्वेश्चंस को पेज पलट करके सारे क्वेश्चंस देखने के बाद आप आंसर करें। डोंट मिस ऑन एनी क्वेश्चन, ठीक है। आते हुए आंसर ना लिख पाए ये ज़्यादा दिल को दर्द देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप फॉर योर अपकमिंग ऑडिट एग्जाम।